चलिए वह फिर से रिवाइज करो करते हैं कार्यक्रम को संबोधित कर रहे चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा। ब्लॉक अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक कमल जी, पूर्व अध्यक्ष रामविलास जी, आत्माराम जी, सारे वरिष्ठ जन और सभी उपस्थित भाई और बहनों और बहुत ही विद्यापीठ की छात्रा बालिकाओं ने जो अच्छा प्रदर्शन किया उनके लिए मेरी ओर से बधाई। वनस्थली विद्यापीठ अपने आप में राजस्थान की एक शान है और आप सभी खिलाड़ी जो इस खेल में आए, प्रतियोगी भाग लेने वाले सभी भाई और बहनों, आज बहुत खुशी की बात है कि भावनवास, लालसोट और निवाई के मध्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधारे हैं। अभी कामों का शिलान्यास किया, प्रशांत जी बैरवा बता रहे थे कि इतने इतने काम, 5 कॉलेज 1 साल में 3 साल में होना कितनी बड़ी बात है। 50 साल में नहीं हुआ जो काम 3.5 साल में हो गया। ये खेलों का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2021-22 की बजट घोषणा में किया था, पर कोविड के कारण ये नहीं हो सका समय पर। अब इसकी शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से देखा गया। आपने 2 साल खेल नहीं होना, 2 साल आना जाना बंद, उसके बाद बालकों में, खिलाड़ियों में कितना जोश है। अभी दूदू में भी देखा, अभी यहाँ भी देखा कितना जोश है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल पहली बार राजस्थान में शुरू किए हैं, बहुत अच्छी प्रतिभा है इसमें। उम्र ना कोई उम्र का तगाजा है, ना कोई स्कूल का है, ना कॉलेज का है। जो भी अच्छे खिलाड़ी ग्राम पंचायत वहाँ रहें वो खेल आगे आकर ब्लॉक स्तर का आयोजित प्रोग्राम है। मैं यही कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 3.5 साल पौने 4 साल में इन्होंने एक बात कही थी, आपने भी पढ़ा होगा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूँगा। अब देख लीजिए कि 3.5 साल में 5 कॉलेज, चाहे लालसोट, चाहे बामणवास हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जिन विधायकों ने जो मांगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। छोटी सी पर्ची दिया बजट बनाते समय, ये समझो वो बजट में आ जाएगी। इतना विश्वास हमारे विधायकों को माननीय मुख्यमंत्री जी में है। मैं तो 4थी बार हूँ, 4 बार, 3 बार इनके साथ मंत्री रहा हूँ, 1 बार पहले सरकार थी, 2 बार विपक्ष में रहा। पर मैं तो इस कार्यकाल को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके कार्यकाल को प्रजातांत्रिक का स्वर्ण युग कहूँगा राजस्थान का। ये स्वर्ण युग है, जो विधायक मांग रहे हैं वो दे रहे हैं, चाहे कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोई हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए।